इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक का जो थीम है, थीम हर साल एक थीम होता है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक करके, जो सब मिलके हम स्ट्रोक को हरा सकते हैं, स्ट्रोक की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे जीत सकते हैं। बेसिकली इसमें मैसेज है इस साल का कि जो भी रिस्क फैक्टर जो स्ट्रोक का रहता है, जैसे हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, जो भी रिस्क फैक्टर्स हम कंट्रोल कर पाएंगे बहुत हद तक स्ट्रोक को हम स्ट्रोक होने का चांस कम कर पाएंगे। तो इस साल का मैसेज यही है कि रिस्क फैक्टर जो भी होता है उसको जो भी आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करेंगे तो स्ट्रोक का रिस्क जो होता है वो कम होता है। इसके अलावा स्ट्रोक अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि इस्ट्रीमिक स्ट्रोक जो हम बोलते हैं, जिसमें जैसे ब्रेन की खून की नसें जो ब्लॉकेज होता है उसमें अगर 4.5 घंटे के अंदर लोग आ सकते हैं, क्लॉट बस्टिंग ड्रग हम बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस या उसको बोलते हैं इंटरवीनियस थ्रोम्बोलाइसिस, जो मेडिसिन देने से जो आउटकम जो रहता है इमीडिएट इम्प्रूवमेंट भी आता है एंड जो भी 3 महीने के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट आता है वो अच्छा रहता है। तो लोगों को जानकार होना जरूरी है, ये टाइम बहुत जरूरी है, टाइम इज ब्रेन, जितना जल्दी पहुंच सके वो रिकवरी का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है ये मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जो भी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल रहता है जिसमें एक एटलीस्ट मिनिमम सीटी स्कैन होना है, न्यूरोलॉजिस्ट होना है, फिर बाकी इमरजेंसी तो रहता ही है दूसरे बैकअप के लिए, तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाए जितना जल्दी जाएंगे तो आउटकम डेफिनेटली उसका बेटर रहता है। तो उतना अवेयरनेस नहीं है, तो जितना भी हो सकता है हम लोग एक्चुअली स्प्रेड करते हैं कि वी कीप इन कॉन्टेक्ट विद डॉक्टर्स इन पेरीफेरी जिनके पास लॉट ऑफ पेशेंट्स विद स्ट्रोक एडमिटेड होते हैं, कि आइदर दे कैन रेफर टू अस हियर, सो वी हैव अ स्ट्रोक टीम हियर, इमरजेंसी इज हियर, न्यूरोलॉजिस्ट एट मैडम सेड कि वी हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट न्यूरोलॉजिस्ट टीम हियर एंड वी आर वेरी वेल सपोर्टेड विद रेडियोलॉजिस्ट एज वेल, सो टू डू डोंट वेस्ट टाइम इज द मेन थिंग इन द स्ट्रोक। एज जैसे कार्डियक में टाइम इज इम्पॉर्टेंट, इक्वली ब्रेन में भी टाइम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। तो रूरल एरियाज में हम जितने भी जो भी हमारे रेगुलर वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स यहाँ पर रेफर करते हैं, हम लोग उनको भी समझाते हैं कि आप लोग को जब भी ऐसा जैसे कि मुंह टेढ़ा होना, बातचीत करने में कुछ परेशानी होना, हाथ या पैर का कमजोरी होना या और भी मल्टीपल डिपेंड ऑन किस एरिया में स्ट्रोक है, तो पेशेंट्स आप रेफर कीजिए एंड देन वी मैनेज देम अकॉर्डिंग टू क्या सिम्टम्स है, किस क्राइटेरिया में वो लोग फिट बैठ रहे हैं, कैसा प्रोग्नोसिस होगा, उसके ऊपर हम लोग किसी ट्रीटमेंट प्लान उसी के अकॉर्डिंग ही मैनेज किया जाता है। 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक का जो थीम है, थीम हर साल एक थीम होता है, टुगेदर वी आर